नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों की रीजनिंग की कंटिन्यू वीडियो आ रही है दोस्तों, और कंप्लीट हम चैप्टर यहाँ पे ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अभी जो अपना टॉपिक चला हुआ दोस्तों, वो कैलेंडर से चला हुआ दोस्तों, ठीक है ना। कैलेंडर की दो वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं दोस्तों, एक बेसिक क्लास और उसके बाद लीप वर्स निकालना। तो जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको दोनों वीडियो देख के आए दोस्तों, वो दोनों वीडियो देख लोगे आप लोग, उसके बाद इस थर्ड नंबर वीडियो करना दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो देखोगे दोस्तों तो मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आप आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से, ट्रिक से, अच्छे लेवल से यहाँ हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी सर से पढ़े हो दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को देखना, आपको कुछ नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी दोस्तों अपने इस चैनल से, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज के अपने जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक के साथ दोस्तों। आइए देखो दोस्तों, जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, किसी भी शताब्दी वर्ष में वार ज्ञात करना दोस्तों। क्या है दोस्तों, निकालने हमें क्या है इसमें वार ज्ञात करना होता है, और कौन से वार है दोस्तों, ये किसी भी शताब्दी वर्ष में, ठीक है, किसी भी शताब्दी वर्ष में वार कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो हम ट्रिक आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है दोस्तों, मतलब ये हमें 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा दोस्तों, कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को। हमें सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसको आराम से लिखना है दोस्तों, उसके बाद इसको एक बार दो बार आप देखना। अभी मैं आपको 3-4 मिनट में टोटली चीजें समझा के दिखाएंगे दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखना आप लोगों की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमें सोम मंगल बुध ये आपके वार लिख रखे हैं दोस्तों। वार सभी को पता होगा, वीक जो होते हैं आपके सोम मंगल बुध, लास्ट क्या होगा आपका रविवार। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम फर्स्ट डे क्या मानेंगे दोस्तों, सोमवार। बहुत सी बुकों में दोस्तों फर्स्ट डे को रविवार मान रखा है, ठीक है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग है। हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर के अंदर दोस्तों, उसमें ध्यान रखना हम 1 नंबर का क्या मानेंगे सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, इस प्रकार कंटिन्यू। 7 नंबर क्या मानेंगे दोस्तों हम रविवार। अगर हमें रविवार फर्स्ट डे मानना है दोस्तों, तो हम रविवार को 0 लिखेंगे, ठीक है, रविवार को हम क्या लिखेंगे 0, और उसके बाद फिर सोमवार 1, मंगल 2, ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना अपनी, अगर कोई नया स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहा है दोस्तों, जो पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो नए स्टूडेंट पहली बार मेरे से इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो ध्यान रखना सबसे पहला जो हम वन जो डे मानते हैं दोस्तों, हम सोमवार को काउंट करते हैं, फिर मंगल को, इस प्रकार 7 नंबर पे क्या हमारा रविवार, ये सभी को कंफर्म होगा। आइए अब इसके बाद, अब 1 मिनट के लिए क्या लिखोगे दोस्तों आप, 1 मिनट के लिए आप इस सोमवार को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए आप मान लो हमारे पास सोमवार वार है ही नहीं, हमारे पास जो वार है दोस्तों वो मंगल से लेकर रवि तक है, ठीक है, 6 वार हमारे पास, सोमवार को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, उसका काम आगे वो हम बताएंगे अभी। तो अभी आप लोग कुछ देख पा रहे हो दोस्तों, ऊपर की जो तरफ लाइन है दोस्तों, एक तो मंगल है, एक बृहस्पति है, और एक दोस्तों शनि, 3 जो डे हैं आपके ऊपर हैं, और 3 ही नीचे देखिए बुध शुक्र रवि, ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 वार आपके ऊपर की तरफ है दोस्तों, 3 ही वार कहाँ है नीचे की तरफ इंडिकेट है। इनका मतलब ये दोस्तों, जो वार हमारे ऊपर की तरफ है, जो वार ऊपर की तरफ है वो कौन से अंकों पर देखिए दोस्तों, 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर, 2 4 6, ये कौन से अंक है दोस्तों, सम अंक, हमें सभी को पता है दोस्तों 2 4 6, ये कौन से अंक है दोस्तों, सम अंक। और नीचे की तरफ देखो दोस्तों 3 5 7, 3 5 7, ये कौन से अंक है दोस्तों, हमें सभी को पता है विषम अंक होते हैं दोस्तों, कौन से अंक है, विषम अंक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम याद क्या रखेंगे दोस्तों, वो ध्यान दो, 2 4 6 जो सम अंकों पर जो मान आएंगे दोस्तों, सम अंकों पर जो मान आएंगे दोस्तों, वो क्या हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी वर्ष के कौन से दिन हो सकते हैं दोस्तों, प्रथम दिन, ये हमें याद रखना है दोस्तों। जो वैल्यू हमारे पास सम अंकों पर आएगी दोस्तों, वो किसी भी शताब्दी, कोई भी शताब्दी दोस्तों, उसका प्रथम दिन होने की संभावना है, कौन से दिन, जो हमारे पास 2 4 6 सम अंकों पर आएंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड बात हमें याद रखें दोस्तों, 3 5 7, कौन से अंक बताया अभी हमने, विषम अंक, विषम, तो ये क्या हो सकते हैं दोस्तों, किसी भी शताब्दी वर्ष के कौन से दिन हो सकते हैं दोस्तों, अंतिम दिन, कौन से दिन, अंतिम दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, प्रथम दिन कौन से होंगे दोस्तों, जो सम अंकों पर आएंगे, अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, जो विषम अंकों पर आएंगे,
दो बात क्लियर हो चुकी है आपकी। तीसरी बात, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सोमवार की लाइन ऊपर की तरफ है और सोमवार की नीचे की तरफ है, इसका मतलब सोमवार हमारे पास वो कॉमन डे है, कॉमन दिन है दोस्तों, जो दोनों तरफ हो सकता है, मतलब प्रथम दिन भी होने की संभावना और अंतिम दिन भी। लेकिन इसके ज्यादातर चांस किसके हैं दोस्तों, सोमवार के प्रथम दिन होने के चांस ज्यादा है, लगभग 97% यानी ज्यादातर चांस किसके हैं सोमवार के प्रथम होने के और अंतिम होने के चांस केवल कितने, लगभग 3-4% कितनी मान लेना आप लोग। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को तीन बात बताई आप लोगों की, तीन बात आपको क्लियर करनी है। फर्स्ट बात क्या याद रखोगे ऐसे किस्मों में, प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं जो हमारे पास सम अंकों पर आएंगे, सम मतलब 2, 4, 6 पर आएंगे, ठीक है। अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास विषम पे आएगी, कौन सी, जैसे 3, 5 और 7, ठीक है। तीन नंबर बात हमने क्या बताई दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तीसरी बात हमारे पास है सोमवार जो है जो कॉमन डे है दोस्तों, प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी, ठीक है। इसके बेस पे एग्जाम हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, वो क्वेश्चन हम अभी आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक क्वेश्चन से एग्जाम तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन से बताएंगे आपको किस प्रकार। देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है दोस्तों, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से हो सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, मैंने अभी बताया आपको प्रथम दिन कौन सा हो सकता है दोस्तों, प्रथम दिन हो सकता है जो सम अंकों पर आए। चेक कीजिए आप लोग, फर्स्ट जो ए ऑप्शन है दोस्तों बुधवार हमारा, तो बुधवार हमारा कितने नंबर पे है, तीन, तो तीन का मतलब कौन सा हो सकता है दोस्तों, विषम अंक होता है, कौन सा दिन हो सकता है, अंतिम दिन, और हमें चाहिए कौन सा दोस्तों, प्रथम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हमारे पास बिल्कुल गलत, नहीं बता सकते हम इसको। सेकंड ऑप्शन देखिए शुक्रवार दोस्तों, शुक्र पांच का है, पांच क्या विषम, तो ये भी कौन सा दिन होने की संभावना है दोस्तों, अंतिम, मतलब यहां पर भी बात नहीं मिलेगी। चलो सी ऑप्शन देखिए दोस्तों रवि, अब रवि भी विषम है, सात नंबर है, तो ये भी कौन सा हो सकता है दोस्तों, अंतिम, और हमें चाहिए कौन सा दोस्तों, प्रथम। तो प्रथम के लिए मैंने अभी बताया है दोस्तों जो वैल्यू हमारे पास सम अंकों पर आएगी, सम कौन से दोस्तों, 2, 4, 6, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, आंसर मंगल भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, शनि, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो टिक करो आगे बढ़ जाओ आप लोग। इसमें आप लोगों को क्या दिखाते हैं दोस्तों, शनि, और शनि कितने नंबर है, 6, 6 का मतलब क्या, सम और ये कौन सा है दोस्तों, प्रथम दिन है हमारे पास, तो हम तंत्र में है हमारे पास प्रथम दिन होने की संभावना कौन सी दोस्तों, शनि, इस शनि के स्थान पर मंगल भी आ सकता है और दोस्तों बृहस्पति भी आ सकता है और शनि, तीनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा आपसे, प्रथम दिन का मतलब ये रहेगा दोस्तों तीन बार ऐसे आएंगे जो अंतिम के होंगे, एक बार आपको प्रथम का मिलेगा तो प्रथम वाले पे टिक करना है, फर्स्ट टाइप क्लियर। सेकंड टाइप देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऑप्शन चेंज करेंगे, इसमें क्वेश्चन सेम रखेगा दोस्तों, किसी शताब्दी का निम्न में से प्रथम दिन होगा, तो ऑप्शन ये मिलेंगे 1, B, C और D, ठीक है दोस्तों। एग्जाम डी में से शनि को हटा देगा दोस्तों, डी ऑप्शन में ध्यान देना मैं शनि को हटा रहा हूं और इसके स्थान पे आपको डाल देगा सोमवार, ठीक है दोस्तों, सोमवार लिख देगा यहाँ पे, डी को हमने हटा दिया, शनिवार को यहाँ पे लिख देगा दोस्तों सोमवार, तब आंसर बताइए आप लोग। तो हमें पता है दोस्तों प्रथम दिन कौन सा हो सकता है जो सम पे आए, मतलब 2, 4, 6 पे आए, तो यहाँ पे मंगल हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है और दोस्तों शनि, तीन ही तो हो सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट के जो तीन ऑप्शन है दोस्तों, बुध, शुक्र, रवि, क्या ये प्रथम दिन हो सकते हैं टाइप का कोडिंग, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि बुध, शुक्र और रवि ये तो कौन से संख्या, विषम अंक, केवल केवल कौन से दिन हो सकते हैं टाइप के अकॉर्डिंग दोस्तों, अंतिम, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा चाहिए प्रथम के अकॉर्डिंग, 2, 4, 6, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये ऑप्शन में है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, तो हम अब क्या करें, तो हम अब किसके साथ जाएंगे दोस्तों, सोमवार के साथ हमें जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सोमवार प्रथम भी है और अंतिम भी है, दोनों है, लेकिन हमारे पास जो रियल ऑप्शन था दोस्तों वो एग्जाम नहीं देगा, तो हम किसके साथ टिक करके आएंगे दोस्तों, सोमवार को हम राइट करके आएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब तीन मिलेंगे अंतिम के, एक मिलेगा हमें सोमवार, तो सोमवार को टिक करना है, दो टाइप क्लियर। इसी प्रकार तीसरी टाइप, इसी में देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम रहने वाला है आपका, ऑप्शन भी सेम है, पहले हमने डी ऑप्शन में शनि हटा दिया था दोस्तों, अब की बार हम शनि को वापस ले लेते हैं दोस्तों, किसको, शनि ऑप्शन हमने वापस ले लिया है दोस्तों, और जो एक ई ऑप्शन और डाल दिया हमने यहाँ पे, ई ऑप्शन और डाल दिया दोस्तों, उसमें सोमवार भी है, ठीक है, शनि भी है, सोमवार भी है, और ये तीनों ऑप्शन है, तब बताइए प्रथम दिन होने की संभावना, तो हमें कन्फर्म है दोस्तों ये तीन तो हो नहीं सकते, ये तो अंतिम है, ये तो केवल अंतिम दिन बनेंगे। चलो अब हमें जो है शनिवार, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, ये हमारे पास 100% की लाइन है दोस्तों, ये 100% की लाइन है, और सोमवार हमारे लगभग कितना परसेंट है, 60%, तो लगभग अब हम लगभग वाले ऑप्शन को हम कट कर देंगे, मतलब अब क्या नहीं हो सकता दोस्तों,
सोमवार हमसे नहीं हो सकता। अब हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों? शनि के साथ। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये हमारे पास 100% की काउंटिंग में है, मतलब समांक को है 2, 4, 6, तो हमारे पास प्रथम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई दोस्तों? डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर आपको शनि दे तो हम शनि पे टिक करेंगे, शनि को ना दे तो हम सोमवार पे टिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीन क्वेश्चन आपको अंतिम के पूछ सकता है। जैसे देखिए दो सेकंड क्वेश्चन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? अंतिम दिन, तो अंतिम कौन सा हो सकता है दोस्तों? 3, 5, 7 चेक कीजिए। मंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल तो 2 नंबर यानी समय प्रथम हो सकता है। बृहस्पति देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन, तो ये भी 4 पे है मतलब प्रथम है, ये ऑप्शन भी गलत है आपका। सी देखिए शनि, शनि भी क्या है दोस्तों? सम पे है, मतलब शनि भी नहीं हो सकता। फर्स्ट के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र हमारा कितना है दोस्तों? 5 नंबर, और 5 मतलब विषम, और ये कौन सा नंबरिंग हमारा? विषम अंक होने की वजह से ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंतिम। तो हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों? शुक्र के साथ। ठीक है, अगर आप लोग बोल दो सर शुक्र ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे हमें मिलेगा दोस्तों सोमवार, तो हम कौन से के साथ जाएंगे दोस्तों? सोमवार। क्यों? क्योंकि प्रथम में तो सोमवार स्थान प्रसन्न होता है, और इसमें कितना लगभग 3-4 कितनी मान सकते हैं दोस्तों? तो हम शुक्र को ना दे ऑप्शन, सोमवार दे। तो सोमवार ऐसा दिन है दोस्तों जो प्रथम भी हो सकता है, अंतिम दोनों हो सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो प्रथम है तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो हम कौन से साथ जाना पसंद करेंगे दोस्तों? सोमवार के साथ। लेकिन आप लोग बोल दो सर अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन यही है और ऑप्शन में हमारे पास शुक्र भी है, ठीक है, और एक ई ऑप्शन है दोस्तों सोमवार भी, शुक्र भी है और सोमवार भी, तब हम सोमवार को कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे ऑप्शन से। हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे दोस्तों? शुक्र के साथ। क्यों? क्योंकि शुक्र हमारे पास 100% कंफर्म है दोस्तों, और जो आपका ये सोमवार है ये केवल कितने परसेंट है? लगभग 3-4% के समथिंग। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है आपको, ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन बताए दोस्तों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टाइप आपको समझ में आ गई होंगी। जिसको टाइप नहीं समझ में आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देख लेना, आपको आराम से समझ में आएगी। जबरदस्त टाइप है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस टाइप से दोस्तों, और नेक्स्ट भी आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है, प्रथम कौन से हो सकते हैं जो सम पे आएंगे दोस्तों, अंतिम कौन से हो सकते हैं जो विषम पे आएंगे, और सोमवार कॉमन डे है प्रथम भी और अंतिम भी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को अब अच्छे समझ में आ गई होगी टाइप दोस्तों। ये इससे अगली जो टाइप होगी हमारी कैलेंडर की दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के पास। तब तक ये वीडियो आप लोग देखना, अगर ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।